केंद्रीय एचएम अने सहकार मंत्री अमित शाह शुं कही रह्या छे जुओ वीडियो। देश में सहकारिता आंदोलन एक प्रकार से अप्रासंगिक बनता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से 70 साल में देश में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, देश के एडमिनिस्ट्रेटिव खाके पे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अर्थतंत्र के इकोनॉमी के आयाम बदले गए और अर्थतंत्र के चलन में भी ड्रास्टिक बदलाव आया, बहुत भरपूर बदलाव आया। ये सब के साथ सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को संभालकर सहकारिता में जो परिवर्तन करने की जरूरत थी वो समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए गए। इसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता एकदम से सफल हुई, कुछ राज्यों में सरकार की दया पर निर्भर हो गई और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तब उसका उद्देश्य था कि समग्र देश के हर जिले हर गांव के अंदर सहकारिता फिर से पुनर्जीवित हो, सहकारिता के कानून, सहकारिता की कार्यप्रणालियां और सहकारिता की संस्कृति तीनों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए और इसके उपयोग से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर रोजगारी का एक ऐसी नई शुरुआत की जाए कि जिसके आधार पर न केवल देश संपन्न मिले, एक हरेक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर पाए। और इस उद्देश्य को लेकर 3 साल में काम हुआ, 3 साल में लगभग अब तक 60 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं वो 10 इनिशिएटिव सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से 3 आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2 लाख प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है।